ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम कोरोना से लड़ाई में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव और जागृति शर्मा। कोरोना महामारी एक संकट, एक चुनौती या इन सब से भी बढ़कर एक लंबा और कठिन संघर्ष। कोरोना की जद में आम भी हैं और खास भी, विकसित देश भी हैं, विकासशील देश भी। कोविड-19 के सामने दुनिया के कुछ देशों की स्थिति चरमरा गई, तो कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इससे लड़ने का रास्ता दिखाया। घनी आबादी में संक्रमण के बहुत तेजी से फैलने की आशंकाओं के बीच भारत ने कुशल प्रबंधन, बेहतर रणनीति और कभी न हार मानने वाले जज्बे से कोरोना से निपटने की दिशा में कई स्तरों पर मिसाल कायम की है। आइए नजर डालते हैं भारत सरकार ने इस महामारी में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे करोड़ों देशवासियों को फायदा हुआ। पहले बात वर्ष 2020 की करें तो 30 जनवरी को केरल में कोविड का पहला मामला आने से पहले ही सरकार सजग और सचेत हो गई थी। इसके 3 दिन बाद चीनी नागरिकों के लिए ई वीजा सुविधा निलंबित कर दी गई। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का काम अगले दिन से ही शुरू कर दिया गया। देश में संक्रमण न बढ़ पाए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 14 दिनों की अवधि के लिए होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य किया गया। देश में कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए 22 मार्च को 14 घंटे के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया। इसी दिन एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सभी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और मौत के आंकड़ों ने जब हम सबके बीच भयावह स्थिति पेश की, तो सरकार ने 25 मार्च को 3 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। फिर क्या था, बाजारों की रौनक छिन गई, सड़कें वीरान हो गईं, दफ्तरों पर ताला लटक गया और घर की चौखट ही हम सबके लिए लक्ष्मण रेखा बन गई। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर अरविंद बताते हैं कि लॉकडाउन कई मायनों में बेहद प्रभावी साबित हुआ। लॉकडाउन का फैसला एक बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कदम था जिसने उन नंबर्स को अचानक एकाएक बढ़ने से रोकने का काम किया। हेल्थ सिस्टम को अगले चंद महीनों में अपने आप को प्रिपेयर करने का कीमती वक्त दिया और केसेस को एकदम से पीक होने की जगह उसको फ्लैटन आउट कर दिया, जिससे कि जो भी नंबर्स प्रेजेंट हुए हमारा हेल्थ सिस्टम उसको मैनेज कर पाया। पूर्णबंदी के कारण समाज के कई वर्गों की परेशानियों को समझते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,00,000 रुपए के पैकेज की घोषणा की। वी हैव बीन अनाउंसिंग इन सेवरल ट्रांसेस द वेरियस स्टेप्स दैट वी वांट टू टेक टू गिव अ स्टिमुलस टू हेल्प एंड टू एक्सटेंड दैट little assistance which as a government we should and do it in time and therefore we had a Pradhan Mantri Garib Kalyan package. कोरोना संक्रमितों का पता लगाने और अपने आसपास के संक्रमित मरीजों से खुद को सुरक्षित बनाने की सोच के साथ आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की गई। अपने तरह के इस पहले ऐप ने लोगों को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। संकट के समय सबसे बड़ी परीक्षा देश के नेतृत्व की ही होती है। सरकार ने इस मोर्चे पर अपने निर्णयों से दुनिया के सामने मिसाल पेश की। देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी कल्पना आज से पहले किसी ने भी नहीं की थी, इससे लोगों को बड़ी राहत मिली। मेरा नाम दिलीप भाई चुनीलाल भाई गामित, गांव गड़द दुलवन तालुका का रहने वाला हूँ। ये कोरोना काल में वो गरीब अन्न योजना वो प्रधानमंत्री ने निकाली है, इससे हमारा घर का जो कोरोना काल में कुछ धंधा रोजगार नहीं मिल रहा था, तब हमको वो गेहूं और चावल मिला तो हमारे घर का वो गुजरान अच्छी तरह से चल रहा है और अभी भी वो
ऐसी ही योजना वो चालू ही रखे। वन नेशन वन राशन कार्ड की पहल ने उन तमाम लोगों को राहत दी जो किसी दूसरे स्थान में थे और संकट के समय हताश परेशान हो रहे थे। करोड़ों ग्राहकों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 महीने के लिए कई तरह की रियायतों की घोषणा की। कोरोना की स्थिति जब चरम की ओर बढ़ने लगी तब भारत ने 14 अप्रैल को 21 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया। कई माध्यमों से लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अस्पतालों में बिस्तर कम न पड़ जाएं, इसको देखते हुए देश भर के कई स्थानों पर कोविड केयर सेंटर और आपातकालीन अस्पतालों का निर्माण हुआ जो मील का पत्थर साबित हुए। लॉकडाउन में लाखों श्रमिक अपने अपने घरों से बहुत दूर कामकाज की जगह पर फंस गए। उनकी मुश्किलों को समझते हुए 1 मई से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों की शुरुआत की गई। रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग और जांच की सुविधा शुरू हुई जो संक्रमण को नियंत्रित करने में अहम साबित हुई। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन आरंभ किया गया। अपनी तरह के इस विशेष अभियान में लाखों भारतीयों को घर वापस लाया गया, साथ ही भारत से विदेशी नागरिकों को भी उनके देश पहुंचाया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अ टोटल ऑफ 45,82,043 पीपल फ्रॉम 98 कंट्रीज हैव रिटर्न टू इंडिया अंडर द एजेस ऑफ द वंदे भारत। गवर्नमेंट expended an amount of 33.5 crores from the Indian Community Welfare Fund. I should also add that we facilitated the return from India of more than 1.1 lakh foreign passport holders to 120 countries in the same period. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के समय देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच के साथ 12 मई को 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस राहत पैकेज की जानकारी कई चरणों में दी। कोविड के मामले जब थोड़े नियंत्रण में आए तो 25 मई से सीमित संख्या में घरेलू विमान सेवाओं की शुरुआत की गई। लॉकडाउन के कारण रोजगार और अर्थव्यवस्था पर गहराते जा रहे संकट के बीच 8 जून से देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हुई। कई पाबंदियों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया ने समाज में उत्साह का संचार किया। लॉकडाउन की वजह से परेशानियां बढ़ गई थी, अभी क्या थोड़ा खुला हो रहा है उसकी वजह से क्या है कि पब्लिक को थोड़ी राहत मिलेगी, अपना रोजगार धंधा धीरे धीरे चालू करेंगे और पूरा मतलब सतर्क रह के काम करना पड़ेगा कि आपको कोरोना के साथ ही जीना है अपने को। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के ट्रायल के पहले चरण की शुरुआत देश भर में 15 जुलाई से हुई। भारत ने फ्रांस, अमेरिका सहित कुछ देशों के साथ सामंजस्य बिठाकर 17 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को फिर शुरू किया। संकट के बीच 26 अगस्त को उम्मीद की एक नई किरण ने जन्म लिया जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का हिंदुस्तान में ट्रायल शुरू हुआ। कोरोना संकट ने स्कूल और छात्रों को भी अलग थलग कर दिया। बंद पड़े क्लासरूम के बीच ऑनलाइन पढ़ाई की अहमियत गांव-गांव ने समझी और देखते ही देखते ऑनलाइन क्लासेस रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई। मैं शैजा श्रीवास्तव धनबाद झारखंड से कक्षा 12 की छात्रा हूं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो हम सबके लिए वो एक नया अनुभव था। मैं अपनी बताऊं तो मैंने 2020 में अपनी 10वीं की परीक्षा दी थी और जब मैं आखिरी परीक्षा देकर घर लौटी तो पता चला कि अगले दिन से सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं क्योंकि लॉकडाउन लग गया है। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद, अब पढ़ाई कैसे होगी। कुछ दिनों बाद जब मेरी 11वीं का नया सेशन शुरू हुआ तो हमारे सामने एक नई चुनौती आई, ऑनलाइन क्लासेस। अब ये उतनी बड़ी चुनौती भी नहीं थी क्योंकि हमारा जनरेशन काफी अवगत है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, मगर थोड़ा समय तो हमें भी लगा ये समझने में कि क्या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्या ऐसे भी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी की जा सकती है। जी हाँ,
की जा सकती है। यह जवाब मुझे तब मिला जब मैंने खुद तैयारी शुरू की और अब तो ये हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। 6 महीने बाद 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल के दरवाजे 21 सितंबर को खुले। इस देश ने आपदा में अवसर के कई नए आयाम तलाशे। दफ्तरों पर ताला लगा तो वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति ने कंपनियों से लेकर कर्मचारियों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान बिखेरने का काम किया। कोरोना ने उन लोगों की भी मुसीबतें बढ़ा दी थी जो किसी दूसरी बीमारी से परेशान थे और उन्हें नियमित चेकअप के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। अस्पताल में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए करोड़ों लोगों के लिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय में NUHM के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सुशील विमल ने बताया कि ई संजीवनी पहल ने लाखों लोगों को राहत पहुंचाई। देखिए, ये जो ई संजीवनी है सच में एक आम जीवन के लिए, आम ग्रामीण आदमी के लिए सच में संजीवनी बन के आया है। आम जनता हॉस्पिटल नहीं जा पा रही थी क्योंकि कोविड की वजह से लोग कन्फाइन थे घर में, लोग बीमार भी पड़ रहे थे, तो उस समय एक यही उपाय आया था कि हम लोगों को घर घर जाके किस तरह से सुविधा दे सकते हैं। तो उसी समय ये जो ई टेली कंसल्टेशन का जो कंसेप्ट है ओरिजिनेट हुआ था और ये पिछले 1.5 साल से जैसे कि हम देख चुके हैं 70 लाख लोगों तक ये पहुंच चुका है। साल बदला और 2021 ने नई संभावनाओं के साथ दस्तक दी। कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन का देश भर में ड्राई रन 2 जनवरी को आयोजित किया गया। इसके अगले दिन ही DCGI ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आपातकालीन स्वीकृति दे दी। भारत के औषधि महानियंत्रक VG सोमानी, आफ्टर एडेक्वेट एग्जामिनेशन द CDSCO हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी एंड अकॉर्डिंगली वैक्सीन ऑफ Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted. महीना मार्च का था और परेशानी समाज से लेकर सरकार की एक बार फिर बढ़ने लगी थी। कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट ने अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए थे। अप्रैल और मई बेहद खौफनाक साबित हुए। एक एक सांस की हिफाजत के लिए जनता से लेकर जन प्रतिनिधि तक ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं देशवासियों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बैठकें की। उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। गर्मियों में एक तरफ जब सूरज की तपिश बढ़ रही थी तो दूसरी ओर सरकार ने भविष्य में लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से देश भर के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का काम शुरू किया। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई साथ ही लोगों के मन से डर भी कम हुआ। DRDO के प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने इसकी तकनीक पर जानकारी दी। हमने DRDO ने एक टेक्नोलॉजी लाया है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बनाया था, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। इनको ये टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशंस करके लार्ज स्केल में ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए एक प्लांट बनाया, कहाँ पे 1000 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन बनेगा ये प्लांट में। मोबाइल टेस्टिंग वैन की पहल से जांच में तेजी आई जिससे टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की रणनीति और कारगर हुई। दूसरी लहर के बाद सरकार का जोर हर व्यक्ति को टीकाकरण में शामिल करने का रहा। 21 जून को सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की पहल के साथ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने गति पकड़नी शुरू कर दी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। लाखों लोग इस महामारी से काल के गाल में समा गए। सरकार ने अपनी तरफ से राहत और हौसला देने के लिए कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को 50,000 रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की। संकट बरकरार है और संघर्ष बहुत लंबा चलने वाला है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बीच जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भरोसा है चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए सकारात्मक प्रयास यूं ही जारी रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे
ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम कोरोना से लड़ाई में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव और जागृति शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।